जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आज की न्यूज सुन के और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारी अपडेट है जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले जो नोटिस जारी किया गया था कल शाम में सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो नोटिस जारी किया गया है एलएलबी वाले बच्चों के लिए। एलएलबी और एलएलएम, ध्यान से सुनिएगा, एलएलबी और एलएलएम वालों के लिए क्या नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस जारी किया गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं एलएलबी और एलएलएम की, तो वो बच्चे अपना जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, यानी कि जिससे आपने अपना फॉर्म भरा है, तो वहां पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो परीक्षा देनी है वो किस तरीके से देनी है, ऑनलाइन परीक्षा देनी है। आप समझ गए कि आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसको आप फिर से ओपन करके वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो परीक्षा देनी है वो ऑनलाइन देनी है। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन परीक्षा किस तरीके से दी जाएगी, तो वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए भी कि ऑनलाइन परीक्षा आप कैसे दे सकते हैं, वो आप घर से भी दे सकते हैं और किस तरीके से देंगे उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब बात आती है जिन बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा देनी है, यानी कि ऑप्शनल रखा गया है कि आप ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन देना चाहे तो ऑफलाइन। तो जो बच्चे ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि वहां पर पोर्टल पर जाकर या कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। यदि उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है तो उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन ही फिर मानी जाएंगी, यानी कि यदि आपने ऑनलाइन सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर आपकी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होने वाली हैं। और ये जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 3 जुलाई तक ये आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आपकी डेट शीट जारी की जाएगी। हो सकता है डेट शीट अब भी जारी कर दी जाए 1-2 दिन में, तो फिर उसके बाद में आपकी डेट शीट जारी की जाएगी एलएलएम और एलएलबी आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर की। आगे बात करेंगे, आगे हमारे जो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम हुए थे तो उसमें रिजल्ट जारी किया गया है कुछ कोर्सेज का, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। साथियों, जो भी अपडेट आती है, जैसे कोई नोटिस जारी हुआ तो उसको मैं फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं, तो फेसबुक पेज पर आपको तुरंत आपके अपडेट मिल जाती है। जैसे हमारा कल एग्जाम को लेकर आया था कि ऑनलाइन देने हैं या ऑफलाइन देने हैं, तो जैसे ही नोटिस जारी हुआ तो वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दिया था। तो आप फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड, और फेसबुक पेज को आप शेयर भी कर सकते हैं। और साथियों, आप कह रहे होंगे कि आज जो वीडियो है थोड़ा सा मैं बाहर आया हुआ हूं तो रात लेट पहुंचे थे, तो अभी आप देख रहे होंगे आंख भी लाल हो रही है, तो लेकिन अपडेट आपको देनी थी। चलिए आगे बात करते हैं, जो रिजल्ट को लेकर ही बात करते हैं पहले, तो जो हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, तो ऑड सेमेस्टर में आपका बीकॉम एलएलबी का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि जिनका बीकॉम एलएलबी है इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आपका रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो बाकी कोर्सेज हैं, जो बाकी सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे ऑड सेमेस्टर के, चाहे वो आपका बीबीए है, बीसीए है, बीजेएमसी है, कोई भी कोर्स है, तो उनका भी रिजल्ट अब बहुत जल्द जारी किया जाएगा, यानी कि आपका जो जुलाई के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक आपके सभी रिजल्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो रिजल्ट आना अब स्टार्ट हो गए हैं, आप जो बीकॉम एलएलबी वाले बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इससे आगे बात करें, लगभग सभी कोर्सेज की डेट शीट जारी कर दी गई है, यानी कि जो रिवाइज डेट शीट है वो जारी कर दी गई है, जिनके भी एग्जाम होने हैं बस एलएलबी और एलएलएम को छोड़कर, उनकी भी डेट शीट बहुत जल्द जारी की जाएगी। तो इन सबके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके 2-3 तारीख में जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उनका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।